वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कानून की आवाज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज आप देखो, इस वीडियो में लिव इन रिलेशन के बारे में लीगल पॉइंट्स क्या है इसके बारे में आपको इस वीडियो में देखोगे, लेकिन आप जब तक इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते होगे कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है। दोस्तों, आजकल ये प्रचलन ज्यादा है, बहुत सारे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, कॉलेज में जो पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं, शादी के पहले ही ये सारे संबंध बना लेते हैं। उसके बारे में इस वीडियो को बनाया गया है, क्योंकि लिव और रिलेशनशिप में ही आजकल हर प्रकार के क्या प्रकार किस प्रकार कानून है क्या नहीं है, सारी चीजें आप इस वीडियो में देखोगे। क्योंकि बहुत सारे जो लड़के और लड़कियां कॉलेज में अपने फ्रेंड बना लेते हैं, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, उल्टी जो भी है, और रिलेशनशिप बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस रिलेशनशिप बनाने से पहले आपको उस लड़की की एज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी एज क्या है। अगर वो लड़की आपके खिलाफ रेप का केस कर देती है तो आप उससे किस प्रकार से बच सकते हो, क्योंकि अगर उस लड़की की एज 17 साल होगी तो आप उस रेप के केस से आप नहीं बच सकते। अगर उस कंडीशन में उसकी एज 18 साल है और आप उससे रिलेशनशिप बनाते हो तो आप उस रेप के केस से बच सकते हो, क्योंकि आप एक फ्रेंडली तौर पे आपने रिलेशनशिप की है। अगर इस प्रकार आप ध्यान रखोगे तो आप इस चीज से बच सकते हो। और इसमें क्या क्या, बहुत सारे लड़के लड़की इस रिलेशनशिप में अपने परिवार को भूल के, सारी चीजें को भूल के बच्चे तक पैदा हो जाते हैं। अगर उस बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे का क्या अधिकार है, क्योंकि जिस प्रकार शादीशुदा व्यक्ति के बच्चा पैदा होता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के दोनों रिलेशनशिप में जो बच्चा पैदा हुआ है, जो लड़का या लड़की पैदा हुआ, उनका भी वही अधिकार होगा। उसकी पति की, उसके पिता की प्रॉपर्टी में उसी प्रकार का अधिकार होगा जिस प्रकार शादीशुदा व्यक्ति के बेटे का अधिकार होता है। और इस प्रकार वो लड़की जिसने लिव और रिलेशनशिप में ही लड़का पैदा हो गया तो वो मेंटेनेंस लेने के भी हकदार है। लेकिन दोस्तों, वो लड़की उस पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि उन्होंने केवल रिलेशनशिप की है, न कि शादी। और इसके साथ साथ वह लड़का या लड़की दोनों ही बिना तलाक लिए ही शादी दूसरे से शादी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ने ही शादी नहीं की है, इसमें उनको तलाक लेना जरूरी नहीं है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि रिलेशन का मतलब है कि बहुत सारे व्यक्ति अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ दोस्ती कर लेते हैं, किसी अपने पड़ोस अपने मिलने वाले के साथ रिलेशन कर लेते हैं, तो उसमें क्या कानूनी तौर पे क्या लीगल स्टेज होता है कि अगर 17 साल से पहले की लड़की से आप दोस्ती करते हो तो आप उसमें, अगर उस लड़की के ने रेप का केस लगा दिया है तो आप उसमें कोर्ट के जेल के अंदर की हवा खा सकते हो। इसलिए आप किसी भी लड़की के साथ अगर रिलेशनशिप रखते हो तो 18 कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की लड़की से आप रिलेशनशिप रखते हो तो आप, अगर वो लड़की आपके ऊपर का केस भी करे तो आपके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि आपने लिव और रिलेशनशिप की है। इसलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको एक बार लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।